हाय दोस्तों, गले में खराश, सोर थ्रोट, बहुत बार क्या है, पूरे दिन भर हमारे को परेशानी रहती है। एंड मैं आपको बताऊं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, दिवाली के आसपास जब वातावरण में पोल्यूशन होता है। तो बात करते हैं कि क्या है गले में खराश के कारण। दोस्तों, कॉमन जो अगर गले में खराश का कारण होता है उसमें क्या है, पेशेंट जो है वो बहुत बार जो पेशेंट स्मोकिंग होते हैं, या पेशेंट जो हाईली स्पाइसी फूड लेते हैं, या पेशेंट जिनको जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं जहां बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो वो सारे दिन भर अपने गले को क्लीन करते थे। लाइक इस टाइप के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको गले में खराश का प्रॉब्लम बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो कारण हमने बात किया, लेकिन कई बार क्या है कि हमारा जो नोज भी इसके लिए एक फिजिकली जो है वो एक मेन कल्प्रिट होता है, क्योंकि नाक में कई बार DNS होता है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारा नाक का पानी है ना वो गले में ट्रिकल करता रहता है, उसको क्लीन करने के लिए हम वॉकिंग करते हैं बार बार जो है, बहुत बार हमारे टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो कई बार वातावरण से रिलेटेड होती हैं, कई बार लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, कई बार आपके जो है नोज के अंदर जो फिजिकली प्रॉब्लम होती है उसके कारण गले में खराश होती है। अब दोस्तों, बहुत बार क्या है, ये जो प्रॉब्लम होती है इसके कारण हमें इतनी परेशानी रहती है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके जो दूसरे कलीग्स हैं उनको भी दिक्कत होती है, सोशल प्रॉब्लम भी होती है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाते हैं। तो एक कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक FOL टेस्ट होता है, और हमें थ्रोट स्वाब भी कराया जाता है, ये पता लग जाता है कि कोई बैक्टीरियल, वायरल या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, एंड उसका मेडिकेशन दिया जाता है। इस तरीके से आप अपने सोर थ्रोट और गले में खराश की प्रॉब्लम से बच सकते हो। जाते जाते जो है यूट्यूब वीडियो का बेल आइकॉन प्रेस करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।